माइक गिर गया यार। ओह शिट। हाँ सेटअप कर लेते हैं यार, माइक लगा नहीं था। हेलो 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 हेलो, 1 2 3 माइक टेस्ट। मेरा ड्रीम था कि अपने बाइक से दिल्ली लद्दाख वगैरह या फिर मनाली वगैरह हर जगह जाऊं घूमने, ऐसा मेरा ड्रीम था। क्योंकि 100 सीसी से दिल्ली, 100 सीसी से दिल्ली, हाउ इज द जोस? हाय सर, यहाँ पे बहुत तेज अभी बारिश होने लगी है और अभी हम लोग बहुत थोड़ी तरीके से फंस गए यार। आई एम कमिंग दिल्ली। बहुत बड़ा पंगा हो गया है यहाँ पे, देख सकते हैं पैकिंग हो रही है हमारी। अभी अपना हेलमेट रेडी है, अभी सब भाई लगे हुए हैं। वो कितना बज रहा है? 11:23 और कल सुबह हमको निकलना है। थोड़े बहुत कुछ कपड़े रिक्शा बैग इधर है, बाकी बाइक दिखाऊंगा मैं कल मॉर्निंग में। फाइनली घर से निकल रहे हैं। कथी ए रहन दाई भाई था तो देवे के ना रहन दे। ठीक तो गाइस फाइनली घर से निकल गए बिहार टू दिल्ली। क्या मिलते हैं, आते हैं। ठीक भाई, फाइनली आपका एनएस निकल गया है ऑन द वे टू दिल्ली। बड़ा राइड करने वाला हूँ, क्या कि काफी ज्यादा बड़ा राइड है, काफी एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अभी फ्यूल डलवाना है अपने टाइगर को, यानी कि अपने टाइगर में खाना खिलाना है। तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि हम बिहार से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब सस्पेंस है। यहाँ पे पूरा मीटर जो है ना गाड़ी का, भूख के मारे अपने टाइगर तरफ रही है। इस तरफ को मिटाने के लिए इसको खिलाना तो पड़ेगा ना ब्रो। तो भाई घर से निकलने में थोड़ा सा लगता है और अभी टाइम 8 बज रहा है राइट एकदम। फुल करना है भाई लगाने के लिए, हेलमेट अलग से लेना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, हेलमेट है ना, ना रहेगा, ये पेन अलग से रहता है। हाँ सब अलग से सिस्टम है इसमें। मेरा एक दोस्त है सुंदर सिंह, ऑल इंडिया ट्रेवलिंग में निकला हुआ है। ये टाइगर को खाना खिलाए हैं 1000 का अभी फिलहाल, आगे डलाएंगे यूपी में, क्योंकि यूपी में पेट्रोल का रेट अंडर 100 है। यानी किलोमीटर देख लीजिए कितना है, 7980 है। अब देखते हैं कितनी चलेगी गाड़ी अपनी, 999 का फ्यूल डलवाया। गाइस फाइनली अपनी टाइगर को खाना खिला दिया है, ये परसोनी मार्केट। व्लॉग को मैंने अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, तो गाइस मैं व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज नवनीत एंड यू आर वॉचिंग एनएस व्लॉग्स। मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गाँव से, और बड़े बड़े सपने और ख्वाब लेके चल रहा हूँ, जी रहा हूँ। ये भी एक एम था कि भाई अपने बाइक से कभी दिल्ली जाओ। मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ राइड करते हुए। ठीक, इससे पहले मैंने एक राइड करा था दार्जिलिंग सिक्किम का। क्या रिएक्शन मेरे गाड़ी का? रिशा भाई बोल रहा है कि लोगों का रिएक्शन बहुत जबरदस्त मिल रहा है, मतलब लोग जो है ना पागल हो रहे हैं। क्या मतलब सोच रहे हैं कि क्या चीज है ये, रंग बिरंगी चीज। 1200+ किलोमीटर होगी राइड। हवा है कम तो थोड़ा हवा डलवा देते हैं इसमें। गाड़ी अपना पंचर है ना, ट्यूबलेस है तो चलेगा, एक दिन तो चल ही जाता है। सो फाइनली दोनों बाइक में हवा टाइट हो गई है। टाइगर स्लीच चाल दिखाएगा, खाना भी खिला दिए और पानी भी पिला दिए, हवा पानी। अब अपनी टाइगर भागेगी गाइस और प्लस में माइलेज भी देगी। बहुत सारे ब्रेकर है यार रास्ते में, देखो ए, 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 ए। बहुत सारे इधर ब्रेकर बनाए गए। बाकी पब्लिक का रिएक्शन गजब की आ रही है एकदम। भाई साहब इतना ब्रेकर है ना इस रास्ते में, चौमत, और अचानक से ब्रेकर आ जा रहा है। माइक गिर गया यार, सेट। ओफ सेट। ये फोन के सेटअप कर लेते हैं यार, माइक लगा नहीं था।
तो अभी माइक मेरा गिर गया था यार, अभी पहले माइक को अंदर में फिट करते हैं, फिर अच्छे से मोटो ब्लॉग करें क्या। मस्त हाईवे फोर लेन पे आ गए हैं और यहाँ से अभी निकलते हैं। और इधर भाई सब बाइक की तारीफ कर रहे थे। फाइनली अभी ब्लॉग का मेन पड़ाव, यानी कि पड़ाव नहीं कह सकते, ब्लॉग का मेन पार्ट यहाँ से शुरू होती है। कि इससे पहले जो भी आपने क्लिप देखा होगा उसमें या तो अच्छे से साउंड नहीं आ रही थी या तो उसमें अच्छे से व्यू नहीं आ रहा था, लेकिन अभी रोड भी अच्छा है और यहाँ से अभी जहाँ हम जा रहे हैं आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि हम जा रहे हैं दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, बिहार से दिल्ली फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ गाइस, मतलब बिहार से दिल्ली हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड। उसके बाद आगे देखिए कहाँ तक जाने का प्लान बनता है हमारा। बहुत दिन से यार घर पे बैठे बैठे बोर हो गए रहते इस साल धनतेरस में, यानी कि दिवाली में, दिवाली में वन ईयर होने वाले हमारे बाइक को, लेकिन कभी मैंने लॉन्ग राइड नहीं करा था। वैसे मेरा ड्रीम था कि अपने बाइक से दिल्ली लद्दाख वगैरह या फिर मनाली वगैरह हर जगह जाऊँ घूमने, ऐसा मेरा ड्रीम था। क्योंकि अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर या फिर आप पुराने चाहने वाले होंगे जानते होंगे कि मैं बहुत दिन से की बाइक लेने वाला था और खुद की बाइक पे एक लंबा सा राइड करने का प्लान कर रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज वो दिन आ गया फाइनली, जो कि मैं फर्स्ट टाइम लॉन्ग राइड कर रहा हूँ। 1200 किलोमीटर अप्रोक्स घर से डिस्टेंस है, लगभग हमने 50 प्लस किलोमीटर की राइड कम्प्लीट कर ली है, 60-70 के आसपास। अभी हम लोग मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से अभी जा रहे लखनऊ। लखनऊ का यहाँ पर गूगल मैप में आप देख पा रहे हो 480 किलोमीटर भी शो कर रहा है। टाइम हो रहे हैं 9:30। बात करें आज का मौसम, सुहाना है, मौसम की तारीफ करनी होगी। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में हो गया। गाइस मैं अपने आईफोन से मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, जी हाँ। और आप लोग बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। गाइस बहुत रिस्क लेके बना रहा हूँ, 1 लाख का मोटो व्लॉग सेटअप है अपना, लगभग अराउंड 1 लाख का है। और अभी 70-80 का स्पीड में चला रहा हूँ बाइक, तो होप की नॉइज नहीं आ पा रहा होगा, अच्छे से साउंड आ रही होगी, पता नहीं। बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट हो रही है, मतलब काफी एयर है। टू व्हीलर की यही खासियत है कि टोल आपको नहीं देना पड़ता और आराम से बेफिक्रे निकलते जाओ, निकलते जाओ। मस्त पूरा राइड हमारी यूपी की होगी, मतलब यूपी में ही हम लोग क्रॉस करते रहेंगे सारा, देन उसके बाद दिल्ली। मतलब दिल्ली जाने के लिए कुछ नहीं है, बस यूपी के बीचों बीच चले जाओ, यूपी को पूरा चीरते हुए आपको लास्ट में दिल्ली मिलेगा। ऐसे रोड में अगर मौसम ऐसा हो तब तो बात और भी अलग है। उस ओवर स्पीडिंग तो नहीं चलाना चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 के नीचे ही चलाए अपने गाड़ी को। और बहुत जल्द मैं अपना गोप्रो लेने वाला हूँ। गोप्रो अब कौन सा लो आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं सोच रहा हूँ 9 लेने की, गोप्रो 9, क्योंकि अपना बजट थोड़ा सा भी वीक है। यहाँ से मोतिहारी सिटी आई थिंक 25 किलोमीटर है, देन उसके बाद लखनऊ है यहाँ से अप्रोक्स 470 किलोमीटर है। अभी मैं TVS Ronin 225 को राइड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऋषभ निकल गया है, एग्जॉर का हेलमेट ग्लैमर से देख सकते हो। 100 cc से दिल्ली जा रहा है, 100 cc से दिल्ली। अभी का ट्रैवल अपडेट है कि गोरखपुर यहाँ से अप्रोक्स 180 किलोमीटर होंगे मे बी। तो यहाँ पर हमने कुछ रील वगैरह शूट करे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो ना गाइस, तो क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। यहाँ पे आईडी आ रहा है नवनीत21 और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट जाके। हाउ इज द जोश? हाय सर। तो बारिश ना हो, ऐसा मौसम रहे, बादल घिरा रहे, तो 12 घंटे के या 10 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच के रिकॉर्ड बना लेंगे। इधर नवनीत सब व्लॉग्स, नवनीत21 सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज तो दिखाया नहीं यार, पैकिंग तो दिखाया नहीं अपना। देखिए पैकिंग देखिए, मैंने यहाँ पर इसको फुल वाटरप्रूफ करके रखा हुआ है, मतलब अभी तक तो ठीक ठाक है यार। पूरा अपना बैग है इधर, रक्षक बैग जिसको मैंने यहाँ पे बांधा है, पूरा पन्नी वगैरह देसी जुगाड़ लगा के बिहारी स्टाइल में, ठीक ना, भी पैक कर रखे हैं पूरा, वैसे ही सेम ऐसे जुगाड़ लगा के। 70 किलोमीटर अप्रोक्स घर से आए हैं, ठीक है, और अभी चलते हैं गोरखपुर। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेज अभी बारिश होने लगी है और अभी हम लोग बहुत थोड़ी तरीके से फंस गए यार। गाइस अभी का ट्रैवल अपडेट ये है कि अभी मैं हूँ गोपालगंज में और बिहार में ही हूँ अभी, यूपी बॉर्डर पे, और अभी बहुत तेज बारिश होने लगी है। तो यहाँ पे हम लोग एक चाय के दुकान पर रुके हैं, 2 घंटे 25 मिनट की राइड कंप्लीट करी है। अभी मानसून का सीजन है, तो कभी बारिश है तो कहीं छांव है तो कभी धूप है। रेनकोट लेना पड़ेगा आपको, रेनकोट। तो गाइस अभी गोपालगंज के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले रेनकोट से सही से काम नहीं हो रहा था क्योंकि ये पन्नी था, हाईवे किनारे मिला है। स्पॉन्सर मुझे नवनीत भाई की है। अच्छा, रिद्धि वस्त्रालय भाई का शॉप है गोपालगंज वाले हाईवे में, जो कि काफी अच्छा लगा भाई से, मतलब कि मिल के काफी अच्छे रेट में। और सबसे बड़ी बात, अपने ये फॉलोअर भी हैं, मतलब ऑलरेडी फॉलो करके रखे हुए हैं भाई साहब,
अभी हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, भाई साहब जो है बोले कुछ खा पी लीजिए थोड़ा सा और पानी वानी नाश्ता पानी। तो चलिए थैंक यू सो मच आप लोग का। और ये जगह मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर में हम लोग रुके हुए हैं। सामने है यूपी बिहार का बॉर्डर। भाई साहब रेन जैकेट पहन लिया और बारिश खत्म हो गया, रेन जैकेट खरीदते ही बारिश खत्म हो गई, इतनी गर्मी लग रही है ना इस जैकेट में, पूछो मत यार कि आगे में लग रहा है बहुत बादल घिरा हुआ। वेलकम टू यूपी गाइस, फाइनली आपका एनएस यूपी में आ चुका है फर्स्ट टाइम, वो भी अपने बाइक से, मतलब यूपी वाले भैया जय गंगा भैया। यहाँ से आगे अयोध्या, देन उसके बाद लखनऊ, ट्राई करेंगे दिल्ली तक जाने का। अगर टाइगर का भूख तो अपने बिहार में ही शांत किया था, लेकिन अपने को भूख लग रही है, तो देखते हैं कहीं अच्छे से ढाबा पे बैठ के खाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप शक्ल देख सकते हैं, फेस और आंख भी देख सकते हैं कैसा हो गया है। तो लगभग हम लोग कितना राइड कर रहे हैं आज? 232 किलोमीटर अभी चलाए हैं। तो अभी तक हमने 232 किलोमीटर का राइड कम्प्लीट किया है और अभी ये गोरखपुर है और यहाँ से अभी कितना डिस्टेंस होगा, 280 किलोमीटर लखनऊ यहाँ से बचा हुआ है। इधर देख सकते हैं कछुआ, कछुआ 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 का ओनर इधर है और इधर अपने टाइगर है जो कि देख पा रहे हैं पूरा इंजन पे कीचड़ लग गया है। पनीर बटर रोटी, तंदूरी बटर रोटी, ठीक है। राइड में मजा आ रहा है कि नहीं? ये फटाफट खाते हैं इसको। दो पनीर था, 6 पनीर, 3-3 ले रहे हैं। जो रेनकोट लिए थे वो फट गया, ठगा गए। चलिए निकलते हैं लखनऊ के लिए और अप्रोक्स 4 घंटे यहाँ से डिस्टेंस लगेंगे, मतलब अप्रोक्स 4 घंटे हमें और राइड करना है, दिन उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे लखनऊ। शाम होने वाली है, 4:30 हो रहे हैं। यूपी में पेट्रोल का प्राइस कम है एज कम्पेयर टू बिहार। हाईवे पे भी यार ब्रेकर बना देता है, ऐसा लग रहा है पहाड़ों वाली सड़क है यार भाई। 200 किलोमीटर जाना है यार अभी। गाइस ये है बस्ती, बस्ती का हस्ती। आगे का मौसम ऐसा लग रहा है, यानी कि देख के सिचुएशन, कहीं तो बारिश हुई लग रही है। रोड आप देख सकते हो पूरा भीगा भीगा है, मेरा जो बम है ना वो एकदम दर्द कर रहा है यार बैठे बैठे, ऐसा मैं खड़ा होकर देखता हूँ फील करके। वाह वैली, आई एम कमिंग दिल्ली। मैं ट्रेन से तो बहुत बार आया हूँ, बस से भी एक बार आया हूँ, लेकिन इस बार अपन बाइक से जाने वाले। बाइक साइड दे दे रे बाबा, दे दे साइड दे दे भाई, बिजली तरक रही है यार। बारिश हो रही है पूरा, आप देख सकते हैं। अभी बहुत बड़ा पंगा हो गया है, रास्ता है उसमें पूरा कावड़िया सबका एकदम भीड़ है, ठीक है, 4 लेन पे। अभी हम लोग गलत रूट में आ गए हैं, 20 किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:40 लगभग। फाइनली गाइस हम लोग लखनऊ एंटर कर चुके हैं। हालत गाइस बहुत खराब हो चुकी है, पूरा हाथ पैर कर रहा है। अभी फिलहाल होटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, लखनऊ शहर दिखाते हैं। फिलहाल अपने होटल रूम की तरफ जा रहे हैं जहाँ। वेलकम टू लखनऊ भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ और ये देखिए लखनऊ का इंटरनेशनल स्टेडियम और बहुत बड़ा। तो ये रहा दोस्तों ब्यूटीफुल लखनऊ, बहुत बड़ा शहर है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। होटल सो गाइस फाइनली होटल रूम ऐसे तैसे करके मिल गया और बहुत खोजने के बाद मिला है। क्या अभी जब एकदम हालत ख़राब हो गया और शक्ल से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा हरासमेंट हो गया। लगभग कितना टाइम हो गया, 12 घंटे से ऊपर हम लोग राइड कर रहे हैं ना। टाइम कितना हो गया? 11 बजने वाले, 11 बजे मतलब कि सुबह से ही राइड कर रहे हैं। हमने खाना बाहर से ही ले गया है, बिरयानी ठीक है इसके अंदर। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। अभी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा, बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। बट टेक केयर, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए एनएस ब्लॉग्स। बाय।